ओ हेलो, यस प्लीज, क्या कराना है आपको? फुल टोटल लुक चेंज करना है, बालों के कलर से लेके चेहरे के दागों तक फुल डेंटिंग पेंटिंग और स्क्रबिंग करानी है। देखिए, ये तो कुदरती निशान है, इन्हें तो गॉड ही ठीक कर सकता है। गॉड? हमको जितना आता है हम उतना कर देंगे। नो प्रॉब्लम। छोकरी छे, खटारे के पास ये झयम पटाखा कहाँ से आ गई? इसको तो पटाना है भाई। तुम्हारी बहन ने देखिया। चलो एपी भैया, नमस्ते, कैसे हैं आप? जुबे, आज बड़ा सुर बदल के बात कर रहे तो? चलो ना भैया, दुकान में चल के चाय पीते हैं, आप कभी आते नहीं हो। इन्हें भी ले लो, कौन नहीं है? मेरी बहन है मधु। मधु? अरे पहले कितनी भयंकर दिखती थी, आज कितनी भयंकर लग रही है। चलो ना भैया, दुकान में चल के चाय पीते हैं, प्लीज प्लीज। देख इधर, अरे नहीं, बात इधर कर रहा है, पिटना है, मार खाना है? आज मार पिटाई की बात मत करो, आज प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। हाय एपी, अरे ये कौन है? ये मधु है। अरे वाओ मैडी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। कि भाई तू अभी जाता नहीं क्या? जाना तो है, मगर माँ कह रही थी कि शादी करके चले जाना, और अब तुम जरा सोचो, मैं जिस लड़की से शादी करूंगा उसकी तो जिंदगी बन जाएगी ना। अब मैं इतना सोना पहनता हूँ तो उसको कितना पहनूंगा? तेरे लिए मैंने एक लड़की खोज रखी, वो देखो। तू लोडर को झाड़ू लगाएगी, अच्छी जोड़ी है ना भैया? अपने मोहल्ले की लड़की कहीं नहीं जाएगी, अपने मोहल्ले में ही शादी करेगी और मोहल्ले में ही रहेगी। जब दिल चाहे तो अपनी माँ से मिल सकती है, अपने बाप से मिल सकती है, अपने भाई से मिल सकती है। खड़े दो। जी भैया, आदेश करें। ये लीजिए माँ। पहचाना इसे? अरे मधु माँ। अरे मेरी बेटी तो सच में परी हो गई, इसे किसी की नजर ना लगे। सारे शहर की नजर लग चुकी है, आप इसे घर में ही रखेगा, नहीं तो पूरा मोहल्ला पिटेगा मुझसे। कितनी प्यारी लग रही है बाबूजी। माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ? बाहर मोहल्ले में बहुत नाराज हो रहे थे। कोई मेरी बहन को गंदी नजर से देख रहा था, अब भाई गुस्सा नहीं होगा तो और क्या होगा? तुम इंसान भी बड़े नाशुक्रे हो। क्या? हाँ, जब तुम्हारी बहन को कोई देख नहीं रहा था तब परेशान थे, अब सारा शहर देख रहा है तब भी परेशान हो। ये देखो, छिछोरा कहीं का। अरे आप ऐसे छिछोरा लोगों पैदा करते क्यों हो? भाई मैंने तो इसे इंसानी पैदा किया था, यहाँ दुनिया में आकर छिछोरा हो गया तो मैं क्या करूँ? अबे यहाँ पे क्या करने आया तू? बल्ब बदलने आया? नहीं, वो नहीं, नहीं। खंबा नापने आया? तो बे, अरे तेरी बहन को देखने आया हूँ खटारे। सॉरी बॉस। प्लीज खाओ ना सिम्बा, मैं तुम्हारी फेवरेट बिस्किट लाई हूँ। हे मालिक, मेरा बच्चा, काश तू मुझे कुत्ता बना देता तो। सेकंड हीरो की एंट्री। वाह, 15 मिनट पहले ही आ गया। अरे बाबा, आ जा आ जा। क्या हुआ? बच्चे नहाए नहीं क्या बाबा? नहाया था, याद नहीं कब नहाया था। अरे दिल्ली, ये भी झेलना पड़ेगा। क्या क्या ना बाबा, कल वो मुझसे नाराज हो गई, तू उसे पटाने आया हूँ। वो तो अच्छी बात है, वो जब आएगी ना तो एक गाना गाना, रोमांटिक। हाँ गा दूंगा। ये ले पैसे। गाऊंगा गाऊंगा, मगर बताना कौन सा गाना। कब तक जवानी छुपाओगी रानी वो। हाँ ठीक है, गाऊंगा, मगर मुझे याद नहीं आ रहा, गा के सुना दे। अरे अंटी सुना दे। कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कुवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी। शादी करो। वाह 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 वाह, नदीश राव और साजिद वाजिद की जोड़ी पिक्चरों में, और तुम दोनों की जोड़ी फुटपाथ। आदमी को इतना जलील होने के बाद यही काम करना चाहिए, और
और ये क्या लाइफ पार्टनर चुना तूने? लेकिन ये मेरा पार्टनर ये नहीं, मेरा पार्टनर वो है आलिया, माय लाइफ पार्टनर। यू नो तू बड़ा ही बेशरम है, जो तेरे साथ उसने कल शाम को किया, अगर तेरी जगह कोई और होता तो काम छोड़ देता, राइट, फ्लाइट पकड़ के वापस चले जाता, मुंह छुपा लेता। करेक्ट करेक्ट। एपी भाई साहब, मैं बहुत ही कमीना, बीट, सैडिस्ट, पर्वर्ट किस्म का आशिक हूँ। तो ऐसे ही रहना और वो मेरी हो जाएगी। अगर वो आपकी होती ना, तो आप या उनके घर के नीचे नहीं, तो आप घर के अंदर होते। ऊपर वाले ने मेरे को लंदन से भेजा है फॉर आशिकी, राइट? अब ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा ना। तो हंस क्यों रहा है? ऊपर वाले डिसाइड कर लिया। आ भैया चलो भैया। अरे तुम्हारे इंतजार में मेरा नाक सड़ गया। तुम क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन टू एवरीथिंग ऑन द वे। आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग, लेट्स गो। कम ऑन आर्या। स्टेपनी, मेरे पास स्टेपनी है, एक मिनट में चेंज करता हूँ। लगा ले 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 लगा ले। अरे चुप अरे तुमने तो गाने को कहा था। देखिए चंदानी जी। जी सर। वैसे तो हम किसी प्रोग्राम में जाते नहीं है, लेकिन यहाँ किस लिए आए हैं पता है? जी नहीं। इसलिए कि जनता कहेगी कि लाइट डिटेक्टर मशीन पे बैठने की हिम्मत सिर्फ भोला राम सच्चा ने की है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका मतलब क्या होगा? मालूम नहीं सर। इसका मतलब ये होगा कि पूरे भारतवर्ष में हमारे जैसा अच्छा और ईमानदार नेता है ही नहीं। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। लेकिन सवाल वही पूछिएगा जो हमने लिख के दिए। जी बिल्कुल। जी सर, मैंने रॉकी को आपके सारे सवाल याद करा दिए। Ladies and gentlemen, welcome to the first episode of Jhoot Bole Kauwa Kaate. आपका दोस्त, आपका होस्ट रॉकी, और ये रही लाई डिटेक्टिंग चेयर, यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन। और आज इसमें बैठने का साहस करेंगे हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री श्री भोला राम सच्चा। धन्यवाद। जिस तरह से तूने मुझे शो से निकाला था, देख बेटा मैं तुझे कैसे निकालता हूँ। तू वही बोलेगा जो मैं तुझसे बोलता हूँ। भोला राम जी, पहले हम अपने ऑडियंस को ये बता दें कि जो भी सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, वो सब आप ही ने मुझे लिख के दिए हैं। बोलिए हाँ या ना। नहीं। लाइट जल गई। अरे ये नेता झूठ बोल रहा है। देखो, हमारे देश के इतने बड़े झूठे नेता लाल लाइट की गाड़ी में घूमने के लिए इन्होंने पता नहीं कितने आदमियों के खून से अपने हाथ रंगे होंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो? सर, मैं खुद नहीं जानता हूँ मैं क्या क्या कह रहा हूँ। सॉरी सर। गुड। अरे सॉरी क्यों बोलूँ तुझे? मोटे गेंडे हिप्पोपोटामस, नाम है भोला लेकिन है आफत का गोला। पागल हो क्या? क्या छोड़ूंगा नहीं तुझे, जेल में भिजवा दूंगा, सलवा डालूंगा पागल खाने में। अरे तू क्या सड़ाएगा मुझे सड़े हुए? आलिया चलो, उसको रोकना पड़ेगा। ऐसे सड़े हुए अंडे फेंक के मारूंगा तुझे और एक भी मिस नहीं करूंगा। रॉकी तुम पागल हो गए क्या? Have you gone mad? हो गया सर। What are you doing? पता नहीं, कहना कुछ और चाह रहा हूँ, क्या कुछ और रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, अभी प्लीज माफी मांग। अरे शट अप छिपकली, याद है वो बिकनी? सबके सामने पहनाकर इसी स्टेज पे नचवाऊंगा। रॉकी इतनी पब्लिक है, उनका तो लिहाज करो। पब्लिक? अरे ताली मारने वाले हिजड़े हिजड़े। क्या बोल रही है? पागल हो गए। इस लड़के ने मेरी बेइज्जती की, मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं जनता जनार्दन की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। पागल हो गए वो क्या? क्या बकवास है? तुम लोग वहीं खड़े रहना। हे मंत्री, मैं जानता कि तू मुझे जेल भिजवाना चाहता है और तू मुझे नौकरी से निकालना चाहता है। और छिपकली, मैं जानता कि तू मुझे नफरत करने लगी है। और हिजड़ो, मैं ये भी जान चुका हूँ कि तुम लोग मुझे पटक पटक के मारने वाले हो, इसलिए मैं ये नौकरी क्या, मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। अरे तू तो दुनिया छोड़ के जा। रॉकी क्या कर रहा है तुम? और ये ले रॉकी प्लीज। अरे क्या हुआ, कैसे हुआ? अरे कैसे क्या ये सब?